हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर संबंध फलन का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा अभी तक हम लोग सॉल्व करते आए, सेम की तरह अब हम लोग क्या करेंगे, फलन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको क्या करना, सबको नोट करना है। हम पहले बताए थे कि सब लोग एक कॉपी जरूर बनाना, उस कॉपी में जो जो हम क्वेश्चन करवाएंगे उस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। साथ में जब भी रिवाइज करने का मन करे तो कम से कम पहले इस क्वेश्चन को रिवाइज जरूर करना। ठीक है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो एग्जाम पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम हो या तुम्हारा खुद का स्कूल का एग्जाम हो, ठीक है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आओ चलो सॉल्व करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाते हैं, ठीक है, सब लोग देखना और सब लोग सोचना कि सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देख के सबको पता चल जाता है कि हाँ हम ये क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्वेश्चन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन जैसे हम तो कर रहे हैं स्क्रीन पर, बताओ क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सब लोग? अगर कर सकते हो तो तुरंत माइंड में आ गया होगा कि हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम बताते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे एग्जाम में लिखना है। देखो आता तो सबको सॉल्व करना है, ठीक है, आता तो सबको लगभग सॉल्व करना है। ठीक है, जिसको नहीं आता उसकी बात छोड़ दो भी, ठीक है, बट एग्जाम में कैसे लिखना है कि हमको पूरा नंबर मिले वो भी ध्यान देना है। ठीक है, तो चलो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो सबसे पहला मेथड ये होता है कि पहले उसे तुम डायरेक्टली चेक कर लो कि क्या ये फलन जो भी है एकाकी है कि नहीं, अच्छादक है कि नहीं। पहले उसको तुम डायरेक्टली कहीं पीछे कॉपी में या माइंड पे कहीं पे उसको सोच लो, उसको बना लो कि हाँ ये है कि नहीं। उसके बाद अगर ये एकाकी है तो उसको सिद्ध कर दो, एकाकी नहीं है तो उसको भी सिद्ध कर दो, अच्छादक है तो उसको भी सिद्ध कर दो, अच्छादक नहीं है तो उसको भी सिद्ध कर दो। ये चार स्टेप बस इसमें है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ मतलब एफ एक्स छोड़ कितना है 2x दिया है। ठीक है, बोला ये फलन कहां से परिभाषित है, ये आर से आर में। तो आर से आर में समझते हो कि रियल नंबर से रियल नंबर में, रियल नंबर से रियल नंबर में। तो तुम्हें बस चेक करना है कि ये अच्छादक हुआ कि नहीं। ठीक है, ये एकाकी हुआ कि नहीं, पहले उसको चेक कर। तो हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे अगर हम बनाए एक, ठीक, ये मान लो हम दो सेट बना लिए। देखो तुमको भी यही करना है, पहले बना के एक बार चेक कर लेना है कि हाँ ये एकाकी है कि नहीं। पहले हमको पता तो होना चाहिए ना, अगर तुमको पता चल गया कि एकाकी है तो बस लिख दो एकाकी है। अब कैसे सिद्ध करेंगे वो हम बताएंगे, वो तुम्हें देखना है, फिर उसके बाद में तुम्हें खुद से नोट डाउन करके वापस कॉपी में करना है। ठीक है, तो बताओ ये एकाकी होगा कि नहीं। अब देखो रियल नंबर में क्या होता है, सारे नंबर में आते हैं, तो देखो सारा तो लिखना पॉसिबल है नहीं, सारा तो लिखना पॉसिबल है नहीं, तो आराम से कुछ लिखते हैं, कुछ कुछ नंबर लिखते हैं। तो माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में 1, 0, 1, 2, 3, ये पॉइंट में भी होगा, इसमें क्या होगा पॉइंट में भी नंबर आएगा, लिख देते हैं। अच्छा पॉइंट में भी नंबर मान लो 0. ऐसे लिख देते हैं 1.5। ठीक है, क्योंकि माइनस में भी नंबर होगा ना। देखो रियल नंबर में सब आता है, तो हम सारा लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हमको जितना अच्छा लग रहा है उतना हम लिख दे रहे हैं, बाकी तो तुमको खुद पता है कि रियल नंबर में सब कुछ आता है। ठीक है, और एक बात, जिसको लग रहा है कि हमारी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो अपने सेटिंग से वीडियो यूट्यूब पर सेटिंग से क्या करेगा, वीडियो कॉल जो वीडियो होता है उसका स्पीड धीरा कर लेगा। ठीक है, धीरा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम बताओ क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम है, तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ा के पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कि कोर्स बहुत सारा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एक ही चैप्टर पढ़ना है, सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अपने अंदर रूटीन में लाओ, अपने हैबिट में लाओ कि चीज़ों को फास्ट मतलब फास्ट भी करें और समझ के भी करें। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हम बहुत तेज बता रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल बता रहे हैं। अब इतना स्पीड तो रहेगा ही, अब एकदम स्लो करके बताएंगे एक चीज को, 4 घंटे में बताएंगे तो कहाँ इतना टाइम है, ना तुम्हारे पास इतना टाइम ना मेरे पास इतना टाइम है। ठीक है कि नहीं, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, जिस स्पीड पे हम पढ़ा रहे हैं उस स्पीड पे पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, चलो तो बताओ अभी बताओ क्या क्या हुआ कि नहीं। तो देखो फलन कितना दिया है 2x, एफ एक्स छोड़ कितना लिखा है, कितना लिखा है 2x, ये लिखा है ना। अब बताओ क्या ये एकाकी होगा, क्या ये एकाकी होगा? एकाकी मतलब क्या होता है, एकाकी मतलब ये होता है कि एक्स का मतलब हम कुछ ही मार रखे तो सारा मतलब अगर तुम एक्स बराबर एक रखोगे, एक रखो तो कैसे जुड़ेगा भाई बराबर, अच्छा दो लिखे ही नहीं, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ। ठीक है, मान लो अगर तुम एक रखे एक्स बराबर अगर एक रखे तो किससे जुड़ेगा, दो से जुड़ेगा। माइनस एक रखोगे तो कितना आएगा, माइनस दो आएगा। अगर हम क्या करते हैं एक्स बराबर माइनस एक रखते हैं तो कितना आएगा आंसर, माइनस दो आएगा। अच्छा रखने आएगा कि नहीं बताओ, अच्छा अगर हम बोलते हैं कि एक्स बराबर माइनस एक रखो तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, लिखोगे ना 2 गुणे माइनस में 1 बराबर कितना, माइनस में 2, मतलब आंसर कितना आएगा माइनस 2। तो मतलब जो माइनस 1 होगा किससे मिलेगा, ये सब तो मिलाने आएगा ना, इतना तो हम समझ रहे हैं कि इतना तुमको मिलाने आता होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हम। ठीक है, डिटेल में जाना तो वीडियो पढ़ा है, जाकर देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलो और देखो
इसका से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह कि किसी भी एक अवयव का, किसी भी एक अवयव का मतलब या दो अवयव का कोई एक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो सबका अलग अलग बनेगा। अगर तुम माइनस दो का निकालोगे तो माइनस दो का माइनस चार से मिल जाएगा, दो का प्लस चार से मिलेगा, एक का दो से मिला, माइनस एक का दो से मिला, जीरो का जीरो से मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है, एकाकी मतलब होता है ना कि एकाकी, देखो नाम में छुपा एकाकी मतलब एक से मिले, एक एक मतलब हर एक एक से मिले। ठीक है, तो देखो इसका एक अवयव इसका एक से मिलेगा, इसका एक अवयव इसके एक से मिलेगा, इसका एक इसके, कोई भी दो अवयव जाके किसी एक से नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कोई भी दो अवयव जाके किसी एक से नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब देखो एकाकी है। ठीक है, अब एकाकी होता है तो एकाकी कैसे सिद्ध करते हैं वो हम बता रहे हैं, ध्यान देना है, इतना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें किसी फंक्शन को सिद्ध करना है कि ये एकाकी है तो कैसे सिद्ध करोगे, देखो बता रहे हैं, कैसे लिखोगे, बोलोगे ऐसे, बोलोगे माना, ऐसे लिखना पड़ेगा, बोलोगे माना एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर, आर क्यों लिखे, रियल नंबर इसलिए प्रांत आर में है। तो देखो क्या करते हैं, तब बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर क्या, एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, एकाकी का परिभाषा अगर याद होगा तो एकाकी का डिफरेंस ये है कि अगर दो फलन है, ठीक है मतलब एक फलन है, अगर तुम्हें उसको एकाकी सिद्ध करना है तो उसके दो बिंदुओं पर उसका मान बराबर कर दो, तो दो मान बराबर कर दिए दो बिंदुओं पे। अब हमको बस अगर इसको सिद्ध करते हुए सॉल्व करते हुए अगर ये ला दे कि ये दोनों बिंदु बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फलन एकाकी हो जाएगा। इसमें पड़े होगा ना कि अगर कोई फलन अगर एकाकी है तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, सॉल्व करो, सॉल्व करते करते अगर एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाए तो फलन एकाकी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स वन मतलब क्या होता है कि जहां पर x है वहां पे क्या रख दोगे x1, तो कितना हो जाएगा 2x1, x2 हो जाएगा तो हो जाएगा 2x2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा x1 बराबर x2 आ गया ना। बताओ हमको ये तो सिद्ध करना होता है कि अगर फलन बराबर है तो बिंदु भी बराबर आ जाए, अगर फलन बराबर है बिंदु भी अगर बराबर आ जाए तो वैसे फलन को बोल देते हैं एकाकी। और जब भी तुमको एकाकी सिद्ध करना है तो ऐसे ही करोगे, कुछ नहीं सोचना है, एकाकी सिद्ध होगा। ठीक है, अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगा सर ऐसे तो सारा क्वेश्चन एकाकी हो जाएगा, नहीं सारा क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है ना, तुम्हें लगेगा यहाँ से ऐसे तो हम सारा क्वेश्चन में करेंगे सब एकाकी हो जाएगा, नहीं नहीं होगा ना। पहला कभी तो बताएं कि पहले तुम इसको चेक करो कि वो एकाकी है कि नहीं। ठीक है, पहले तुम्हें चेक करना है, जब तुम्हें लगे एकाकी है तब ऐसे करो। ठीक है ना, और जब लगे तुमको एकाकी नहीं है तो उसका तरीका भी हम आगे बताएंगे। ठीक है कि नहीं, तो चीजों को समझने की कोशिश करना, जो हम बता रहे हमको पता था कि ये एकाकी है इसलिए बोले ना कि पहले पता करो, तुम पता कर लिए कि ये फलन एकाकी है इसलिए एकाकी सिद्ध करने का तरीका ये हो गया। सिद्ध कर लोगे, बोलोगे आता फलन क्या है एकाकी। ठीक है, अब बताओ हमको सिद्ध करना है कि फलन आच्छादक है कि नहीं, सिद्ध क्या करना पहले चेक करेंगे ना। अब बताओ आच्छादक मतलब क्या होता है, आच्छादक मतलब ये होता है कि जो ये सेट होता है, देखो इसके अवयव क्या बोलते हैं, जो ये पूरा अवयव है इसको अवयव बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं एक्स, इसको स्मॉल एक्स से दिखाते हैं, मतलब इसका जो सारा अवयव कैसे दिखाएंगे, इसको कैसे दिखाएंगे, वाई से दिखाएंगे। अब हमको चेक करना है क्या ये आच्छादक है, तो आच्छादक मतलब क्या होता है कि क्या इस वाई के सारे अवयव का यूज होगा। ठीक, तो देखो तुम सोचो अगर हम चाहते हैं, बताओ ये वन, क्या ये वन किसी का प्रतिबिंब होगा, ये वन किसी का प्रतिबिंब होगा, कहने के मतलब कि बताओ हम x इक्वल टू क्या रख दे कि आंसर वन है, यही ना, x इक्वल टू सर हम क्या रखे कि आंसर वन है, तो कैसे पता करेंगे, ऐसे देखो बोलेंगे एफ एक्स इक्वल टू कितना है 2x है, तो देखो इसी को y बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं y, एफ एक्स को y बोलते हैं। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि सर हमको बताइए कि हमको अगर वन से मिलाना है, मतलब इस x का कौन सा अवयव वन से मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, देखो हम बोलेंगे हमको ये पता करना है ना कि x बराबर क्या रखे कि आंसर वन आ जाए, तो आंसर कितना चाहिए वन, तो यहां पर रख देंगे वन, कि हमको वन चाहिए, वन हमको चाहिए, तो हमको x का मान पता करना है, तो x बराबर कितना जाएगा एक बटे, तो हम बोलेंगे तुम x बराबर एक बटा दो ले लो, तुम्हारा आंसर एक आ जाएगा, करके देख सकते हो x बराबर एक बटा दो रखो, यहां पर देखो दो गुड़े एक बटा दो कट के आंसर कितना जाएगा एक आ जाएगा कि नहीं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब अगर तुम आच्छादक सिद्ध कर रहे हो तो तुमको ये पता होना चाहिए कि उस y का मतलब जो ये जो दूसरा सेट है इसके सारे अवयव का यूज होना चाहिए, तो यूज हो चुका है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखो बताएं, अगर हमको वन चाहिए था तुम बोले वन रख दो और x का मान निकाल लो। ठीक है, तो उसी तरह हम बोले कि बताओ ये पूरा कितना है, इसको पूरा क्या बोलेंगे y बोलेंगे, तो हम ये कह रहे हैं कि बताओ अगर हमको y चाहिए तो x बराबर क्या लेना पड़ेगा, अगर हमको y चाहिए तो x बराबर क्या लेना पड़ेगा, जैसे यहां बताया था ना कि अगर हमको आंसर 1 लाना है तो हमको x बराबर क्या चाहिए, तो ऐसे लिखें जो ये fx है, देखो इस fx को क्या लिख दिए 1 लिख दिए, सॉल्व किए
एक्स का माना कितना, एक बटा दो, तो हम बोले कि एक्स बराबर एक बटा दो लोगे तो आंसर एक आ जाएगा, ठीक है। तो वही काम तुमसे बोल रहे हैं कि बताओ कि एक्स बराबर क्या लेंगे कि आंसर वाई आ जाए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इस वन के साथ क्या लिखेंगे, वाई रख के सॉल्व करेंगे, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वाई बटा दो बराबर एक्स। तुम बोलोगे सर एक्स बराबर क्या लीजिए, वाई बटा दो लीजिए, आंसर वाई आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमको आंसर चाहिए होता है उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये देखो फलन अच्छादक है, क्योंकि देखो इसका जो सारा अवयव है इसके किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। अब इसको लिखें कैसे, और लिखें कैसे ये बता रहे हैं, एक ऐसे लिख लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है ना। चलो अब अच्छादक कैसे लिखेंगे, देखो अच्छादक कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, अच्छादक लिखने का तरीका कि कैसे हम अच्छादक सिद्ध करेंगे, ध्यान देना। लिखेंगे देखो, लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है। मतलब जो ये y है ना, y देखो ये y किसमें बिलोंग कर रहा है, r में। तो बोलेंगे प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए प्रांत r में, ये प्रांत है ना, इस प्रांत r में, प्रांत r में, प्रांत r में एक ऐसे अवयव, एक ऐसे अवयव x बराबर, x का स्थान लिखोगे, x बराबर कितना, तो ये देखो यहीं से पता करेंगे, x बराबर कितना, y बटा दो बिलोंग्स टू r का अस्तित्व है। ऐसे देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट तुम याद कर लो, ठीक है, कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए प्रांत r में एक ऐसे अवयव x बराबर y बटा दो belongs to r, क्योंकि देखो जो y है ये x ही बोला ना, ये x r में होता है, वही चीज है, x बराबर y बटा दो belongs to r का अस्तित्व है, जहां जहां सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, जहां f of y की जगह क्या रखेंगे, मतलब जो x है इस जगह क्या रखेंगे, अब y बटा दो बराबर कितना, ये फलन कैसे है, 2 है इंटू में, देखो ऐसा था ना कि क्या करना है, अब हमको x जगह पे y बटा दो रखना है, तो क्या हो जाएगा, y बटा दो कट जाएगा, आंसर कितना जाएगा, ठीक है। अतः फलन क्या है, अच्छादक, अतः फलन क्या है, अच्छादक है। ये देखो ऐसे करना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है, कि अच्छादक सिद्ध करना, तो अच्छादक ऐसे सिद्ध होगा, हमको पता था कि अच्छादक है, तो कैसे इस स्टेटमेंट को लिखें, कैसे इसको समझाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए, इसका मतलब क्या होता है कि हर एक y, मतलब जो पूरा y है, हर एक y बिलोंग्स टू r के लिए प्रांत में x है, मतलब वो किसी न किसी का आंसर है वो चीज, तो प्रांत r में एक ऐसे अवयव x, x बराबर कितना लोगे, कितना लेंगे, तो यहां से पता करेंगे कैसे, जहां पे fx y रख दो, इसको सॉल्व कर लो, x का माना जाएगा, x बराबर कितना आ गया, y बटा दो, मतलब y बटा दो बिलोंग्स टू r का अस्तित्व है, जहां सॉल्व करके दिखा दो कि सॉल्व करने पर y आएगा, अतः फलन क्या है, अच्छादक है। इसलिए फलन क्या है, एकैकी अच्छादक है। समझ में आया सबको, ऐसे सॉल्व करना है कि कैसे एकैकी सिद्ध किए, कैसे अच्छा सिद्ध किए, इस चीज को तुम्हें दिमाग में सेट कर लेना है, वीडियो को फिर से देखना है, पीछे करके देखना है, बार से मतलब बार बार देखना है, जब तक तुम्हें समझ में ना जाए कि कैसे हम एक एक सिद्ध करते हैं, कैसे अच्छा सिद्ध करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। देखो हम जो बताएंगे ये सब तुमको लिखना है, लिखने के बाद एक बार रिवाइज करना कि हाँ सर कैसे करवाए हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले डायरेक्ट पता करो कि ये एकैकी होगा कि नहीं, ये अच्छादक होगा कि नहीं, पहले फटाक से बस पता करो, फटाक से बस पता करो, पता करते हैं, बनाते हैं पटाक, बनाते हैं। देखो क्या दिया है, एक फलन दिया है fx equal to x square, r से r में दिया है, r से r है ना, तो बनाओ r से r, देखो r से मतलब क्या, रियल नंबर, सबको पता है, बना दे, देखो माइनस में तीन, माइनस में दो, माइनस में एक, जीरो, एक, दो, तीन, ठीक है। देखो सारा नहीं लिखना, ठीक है, सारा लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा समझने की कोशिश करना, हम सारे नंबर लिखेंगे नहीं, क्योंकि उतना नंबर कहां लिखेंगे, रियल नंबर, ठीक है। चलो आओ, ठीक है, चलो देखो ये मेरा R हो गया, ये भी मेरा R है, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन यहां लिखते नीचे, अब बताओ एकैकी मतलब क्या होता है, एकैकी मतलब होता है कि x का जो अलग 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 है, अलग अलग जो अवयव है, x का भिन्न भिन्न अवयव y के भिन्न भिन्न अवयव से जुड़ना चाहिए, अलग अलग, ठीक है। तो देखो अगर तुम x बराबर एक रखोगे तो आंसर कितना आएगा, एक, अब रख के निकाल सकते हो, x बराबर एक रखोगे तो fx बराबर कितना आएगा, एक ही आएगा, तो एक वाला किससे मिलेगा, एक से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, और माइनस एक का स्क्वायर करोगे तब पर भी एक आएगा। देखो अब सारा मत करने जाओ, देख
अगर तुम एक का स्क्वायर किए, बोलो एक रखे तो आंसर कितना आएगा, एक माइनस एक का स्क्वायर किए तो फिर आंसर कितना आएगा, एक आएगा कि नहीं। मतलब एक भी किससे मिल रहा है, माइनस एक से, और माइनस एक भी किससे मिल रहा है, एक से, तो मतलब एक एक ही नहीं है। अब कैसे लिखेंगे, देखो उसमें एक एक ही था, ठीक है, तो कैसे एक एक ही सिद्ध करते हैं वो दिखा देंगे। अब ये एक एक ही नहीं है तो सर कैसे दिखाएंगे कि एक एक ही नहीं है, तो अब उस चीज को नोट करो, दोनों चीज बता रहे हैं। अगर एक एक ही होगा तो कैसे करेंगे, एक एक ही नहीं होगा तो उसको कैसे दिखाएंगे। अब इसको कैसे दिखाएंगे, देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, लिखेंगे, ध्यान देना, चलो देना, देखो बोलेंगे चूंकि, ऐसे लिखेंगे चूंकि कि एफ ऑफ वन बराबर क्या, एफ ऑफ माइनस वन, ठीक है, मतलब एफ वन पे जो मान है और एफ माइनस वन पे जो मान है दोनों मान में क्या है, बराबर है, और दोनों किसके बराबर है, एक के बराबर है, और लिखोगे और जो ये एक था, तो ये एक था ना, और एक माइनस एक के क्या है, बराबर नहीं है। एक एक में क्या होता है, अगर फलन बराबर है तो बिंदु भी बराबर होना चाहिए, तभी एक एक होता है, क्योंकि यहाँ पे फलन तो बराबर आ गया लेकिन क्या है, बिंदु बराबर है, बिंदु अलग लगा गया, इसका मतलब क्या है, ये एक एक नहीं है। और देखो यहाँ देख के हमको पता चल रहा है ना कि एक एक नहीं है, सिंपल सा, यहाँ दिमाग क्यों लगाना, यहाँ दिमाग लगाओ आराम से कि दो बिंदुओं का एक ही मान आ गया, ऐसे सोचो ना, दो बिंदुओं का एक ही मान आ गया, मतलब एक एक नहीं है। कैसे लिखोगे, बोलोगे एफ वन पर एफ माइनस वन पर दोनों पर मान बराबर है और ये दोनों बिंदु अलग अलग है, दोनों बराबर नहीं है, देखो ये वन है ये माइनस वन है, दोनों अलग अलग है, इसलिए फलन एकाएकी नहीं है। अब देखो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन तुम्हें अपने कॉपी में लिखना है और दोनों को देखना है कि अगर एकाएकी था तो कैसे लिखे थे, एकाएकी नहीं है तो कैसे लिखे। देखो यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, देखो ऐसे भी कि एफ ऑफ टू और एफ ऑफ माइनस टू इन दोनों का मान भी तो बराबर होगा, इन दोनों का मान कितना होगा, चार होगा ना, तो ये भी बोल सकते हैं कि f ऑफ टू बराबर f ऑफ माइनस टू बराबर कितना, चार, दोनों का मान बराबर है और टू माइनस टू के बराबर नहीं है, इसलिए फलन क्या है, एक एक ही नहीं है। मतलब तुम कोई भी पॉइंट लेके बस दिखा दो ना कि इन दोनों बिंदुओं पे इसका मान एक ही है, इसलिए फलन एक एक ही नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब अच्छादक भी नहीं होगा कि नहीं बताओ, देखो अच्छादक तो कभी नहीं होगा, हमको पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि देखो अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे, किसी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो प्लस वाले से मिलेगा ना, हमेशा प्लस वाले से मिलेगा ना, इसका मतलब जो माइनस वाला है, जो माइनस में देखो ये पूरा जो दिया है इधर, देखो क्योंकि बहुत सारे नंबर होगा हम पूरा लिखे नहीं है, तो ध्यान देना, समझने की कोशिश करना बस, ठीक है, मतलब माइनस में जितना सारा नंबर है सब छूट जाएगा, ठीक है। और अच्छादक मतलब क्या होता है कि जो ये दूसरा सेट है इसके सारे अवयव का यूज होना चाहिए, यूज तो हुआ नहीं, तो क्या बोल दोगे कि इसमें देखो माइनस एक छूट गया, माइनस दो छूट गया, माइनस जो बस कुछ छूट गया ना, तो बोल दो कैसे लिखोगे। आप देखो कैसे लिखोगे, बस उस चीज़ फोकस करना और देखना हम कैसे लिख रहे हैं, और तुम्हें भी लिखना है और बाद में इसको पढ़ के समझना है कि हमको भी ऐसे एग्जाम में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को हम बोल देते ऐसे, बोल देंगे देखो माइनस दो बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है, देखो उसमें अच्छादक था तो वैसे लिखे तो वाई लिखे थे, लेकिन नहीं इसमें क्या अच्छादक नहीं है, तो जिस पॉइंट का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, मतलब पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, उसको लेके दिखा दो कि माइनस एक माइनस दो, किसी को लिखा दो, हम माइनस दो को पकड़े, लिख रहे हैं कि माइनस दो, ठीक है, लिखे हैं माइनस दो बिलोंग्स टू आर के लिए प्रांत आर में, देखो ये प्रांत है ना, इस प्रांत आर में, देखो क्योंकि माइनस, सोचो ना कि माइनस दो कभी किसी से मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो बोलेंगे कि माइनस दो बिलोंग्स टू आर के लिए प्रांत आर में ऐसे किसी भी अवयव एक्स का अस्तित्व नहीं है जहां जहां एफ ऑफ एक्स बराबर कितना, माइनस में दो, ठीक है, कि ऐसा कोई भी अवयव नहीं है कि जिसमें अगर हम एफ एक्स छोटू रख के सॉल्व करें तो आंसर माइनस में दो आए, इसलिए फलन क्या हो गया, अच्छादक नहीं है, ठीक है, लिख देंगे इसलिए फलन अच्छादक नहीं है। तो यही काम देखो तुम लोग करना है कि अगर कोई फलन अच्छादक है तो कैसे लिखेंगे, अच्छादक नहीं तो कैसे लिखेंगे, दो क्वेश्चन बताएं, दोनों क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना देखो बहुत अच्छे से बताएं, सब लोग कॉपी में लिखेगा, वापस से फिर समझेगा कि कैसे हम लोग एकाकी सिद्ध करते हैं, कैसे हम लोग अच्छादक सिद्ध करते हैं, कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं कि एकाकी नहीं है, कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं कि अच्छादक नहीं, इस चीज को पकड़ के एकदम दिमाग में सेट कर लेना कि हाँ ऐसे ही चीज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ ये कर पाओगे कि नहीं, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को बताओ कौन करेगा कौन नहीं, ठीक है,
को फोन करेगा कौन? अब देखो ये सेम क्वेश्चन आ गया पिछले वाला, लेकिन सब लोग को लगा कि सेम है, सेम नहीं भैया, ध्यान देना उसमें एन से एन है इसमें, ठीक है, उसमें आर से आर था, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, बताना हमको, ठीक है ना, क्योंकि फटाक से करते हैं इसको। अब बताओ ये एक एकी हुआ कि नहीं, ये एक एकी हुआ कि नहीं, देखो एक एकी तो होगा कन्फर्म है, देखो एन से एन, देखो एन से एन कहने का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देना, एन से एन, एन से एन कहने का मतलब ये होता है कि वही वन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो जो हम लोग पहला क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, वन बाई टू आया था, वाई बाई टू आया था, बटे में आया था, तुम बताओ जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या में कहीं बटे वाला नंबर आता है, कभी बटे वाला नंबर आता है? नहीं आता है ना, तो इसका मतलब क्या है, क्या है वो? अच्छा तक नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि देखो वन का ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स है, ये है ना, अगर तुम एक्स इक्वल टू वन रखोगे इससे मिल जाएगा, टू रखोगे इससे मिल जाएगा, तीन रखोगे तो छः से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, मतलब ये एकाकित होगा, एक होगा, कैसे स्थिति करोगे, क्या लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, फटक से लिखेंगे क्या, माना देखो एकाएकी जब भी सिद्ध करना होता है बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे आप बताओ, देखो ये x1 x2 किसमें आएगा, अब ये नेचुरल नंबर में आएगा, तो बोलेंगे x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर, और फिर क्या बोलते हैं कि f ऑफ x1 दोनों को बराबर करते हैं, अब इन दोनों को बराबर करके सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या x1 बराबर x2 आ रहा है, तो आएगा एकदम कन्फर्म श्योर आएगा, कभी कभी नहीं आएगा लेकिन ज्यादातर केस में होगा, क्योंकि हमको पता है कि एक एक ही है, तो इसका मतलब x1 बराबर x2 आएगा, कैसे सिद्ध करेंगे, ऐसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब f ऑफ x1 मतलब क्या कि 2x1 बराबर क्या 2x2, 2 से 2 कट जाएगा, x1 बराबर x2 आ गया, जो लोग इसलिए फलन क्या है, फलन एक एक ही है, ठीक है। अब बताओ क्या फलन अच्छादक होगा, अच्छादक मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा यूज होना दूसरे सेट का, बताओ देखो इसमें वन छूट जाएगा, तीन छूट जाएगा, पांच छूट जाएगा, सब छूट गया, ये सब कभी मिलेगा इससे, ये किसी का पूर्व प्रतिबिंब में नहीं है, तो बस उसको दिखा दो, जैसे वहां पे दिखाया था ना कि माइनस दो किसी का भी, मतलब माइनस दो किसी का क्या था, पूर्व प्रतिबिंब नहीं था, तो इसी तरह सेम इसको भी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे फिर से एक बार लिख के बता दे रहे हैं, क्योंकि देखो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट ध्यान देना, देखो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान देना एकदम, लिखेंगे देखो इस वन को पकड़ो, वन को या तीन को या पांच को किसी को पकड़ो, हम बोलेंगे वन बिलोंग्स टू एन के लिए, क्या लिखेंगे ध्यान देना, लिखेंगे वन बिलोंग्स टू एन के लिए, देखो उसमें आर था तो आर दिखे थे, बस तुम सेट देखना सेट का नाम क्या था, बस वो चीज, ठीक है। तो लिखे हैं माइनस वन बिलोंग्स टू एन के लिए प्रांत, क्या लिखेंगे प्रांत एन में, प्रांत एन में ऐसे, ये लिखे था ना, तो ऐसे लिखेंगे प्रांत एन में, ये प्रांत है ना, ये प्रांत एन में ऐसे किसी भी अवयव एक्स का अस्तित्व, किसी भी अवयव एक्स का अस्तित्व नहीं है, क्या है, नहीं है, जहां जहां क्या हो जाए कि एफ ऑफ एक्स बराबर वन हो जाए, ठीक है, इसलिए फलन यहां लिख दोगे, इसलिए फलन, फलन अब यहां पे देखो नीचे लिख रहे समझ जाना, ठीक है, अच्छादक नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, अच्छादक नहीं है, ठीक है। देखो उसमें आर से आर था तो हमको पता था कि उसमें सब कुछ सब मिल जाएगा, देखो उसमें वन मिल रहा था, बताते क्यों, क्योंकि वन कब मिलेगा, जब तुम क्या करोगे एक्स बराबर एक बटा दो रख दोगे तो वन आ जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग एक्स बराबर एक बटा दो नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, इसमें एक बटा दो नहीं आएगा, ठीक है ना, इसलिए अच्छादक नहीं होगा, और जब अच्छादक नहीं है तो किस पॉइंट पर नहीं है, मतलब किसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है उसको दिखा दो, मतलब किसका प्रतिबिंब नहीं मिल रहा उसको दिखा दो, तो हम वन को दिखा दिए कि प्रत्येक वन बिलोंग या एन बिलोंग्स टू, इसके लिए प्रांत एन में ऐसे किसी भी अवयव एक्स का अस्तित्व नहीं है जहां एफ एक्स बराबर वन हो जाए, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा फलन अच्छादक नहीं होगा, ठीक है, समझ चुके हैं, ऐसे कर लोगे, तुमको सारा क्वेश्चन एक जगह लिखना है, फिर वापस से पढ़ना है, देखना है कैसे हम सिद्ध किए हैं, वैसे तुमको भी सिद्ध करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, बताओ ये बताओ फटाक से बताओ, अच्छादक हुआ कि नहीं, एकाकी हुआ कि नहीं, फटाक से बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे फटाक से, बताओ देखो इसमें दिया है कि f1 बराबर f2 बराबर 1, दोनों का मान दे दिया है, इसका मतलब क्या है, ये एकाकी तो है? अरे एकाकी नहीं है जी, जब दो मान पर अगर बराबर आ गया, देखो ना f1 बराबर f2 बराबर कितना दे दिया, 1 दे दिया, देखो क्वेश्चन में
एफ वन बराबर एफ टू बराबर कितना दे दिया है, वन दिया है, ये दिया है ना, ऐसे लिखोगे दिया है, उसके बाद देख रहे हो क्या वन दो के बराबर है, बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसलिए फलन एकाकी नहीं है, ठीक है, फलन क्या है, एकाकी नहीं है। अब बताओ फलन अच्छादक है कि नहीं, ये बताओ, बताओ फलन अच्छादक है कि नहीं, फटाक से बताओ एकदम, आप समझ में आएगी नहीं। देखो हम बोले हैं कि दो बिंदुओं का मान बराबर हो गया, लेकिन दोनों बिंदु अलग अलग है ना, वन दो के बराबर तो है नहीं, इसका मतलब क्या है, ये फलन एकाकी नहीं है, तो देखिए एकाकी नहीं है, आच्छादक है कि नहीं, तो देखो ध्यान देना आच्छादक हुआ कि नहीं, तो ध्यान देना, देखो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। देखो बोला है कि एफ वन और एफ टू दोनों का मान बराबर है, तो ये भी वन से मिलेगा, ये भी वन से मिलेगा, ठीक है। और फलन कैसे डिफाइन है, फलन बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स माइनस वन, ठीक है। तो अगर तुम दो रखोगे तो एक से मिल जाएगा, तीन रखोगे तो दो से मिलेगा, मान तो निकाल सकते हो ना, चार रखोगे तो चार माइनस एक तीन से मिल जाएगा। कहने का मतलब देखो सारा अवयव, मतलब इसका जो है देखो सारा अवयव यूज होगा, तीन होगा अभी, चार भी होगा, पांच भी, सारा का सारा अवयव यूज होगा, सारा का सारा अवयव यूज होगा। तो कैसे लिखोगे अभी हम बताएं, अगर हमको सिद्ध करना है कि कोई फलन अच्छादक है तो कैसे लिखोगे, एक बार फिर से लिख के बता रहे हैं, तुम्हें भी लिखना है, बाद में मिलाना है, पढ़ना है खुद से कि कैसे हम सिद्ध करते हैं कोई चीज अच्छादक है। तो देखो ये अच्छादक है, पांच किससे मिलेगा, छह से मिल जाएगा, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रत्येक y बिलोंग्स टू n के लिए, क्या लिखेंगे ध्यान देना, प्रत्येक y बिलोंग्स टू n के लिए प्रांत, क्या लिखेंगे, प्रांत n में एक ऐसे अवयव का अस्तित्व है, क्यों, क्योंकि अच्छादक है, क्योंकि क्या है, अच्छादक है, जैसे हम पहला क्वेश्चन बताया सेम वही तरह ये अच्छादक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अवयव का अस्तित्व है, एक अवयव x का अस्तित्व है, x बराबर, x बराबर क्या लोगे, देखो बताया था कि अगर तुम्हें फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो तुमको पता करना है कि x बराबर हम सर क्या लें, अगर अच्छादक है तो सर हम x बराबर क्या लें, तो कैसे पता करोगे, यहां पर इसके जगह y रखोगे, ये दो करने का तरीका बता रहे हैं, इसको तुम्हें दिमाग में रट लेना है, तो समझ के रखना है, बस रखना नहीं समझ लेना है। तो ये क्या जाएगा y प्लस वन बराबर क्या, तो x का मान कितना आ गया y प्लस वन, मतलब हमको जब भी अगर x लाना है तो y का मान उससे एक बढ़ा के लेंगे, मतलब x का मान उससे एक बढ़ा के लेंगे, ठीक है, मतलब अगर पांच लाना तो छह लेंगे, सात लाना तो आठ लेंगे, तो ये लिखेंगे x बराबर क्या। अगर ये समझ में नहीं आया तो पहला क्वेश्चन फिर से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो y प्लस वन बिलोंग्स टू R का अस्तित्व है, जहां क्या लिखेंगे, जहां f ऑफ क्या लिखेंगे y प्लस वन, y प्लस वन पे इसका मान निकालो, अब जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे y प्लस वन, देखेंगे y आ रहा है कि नहीं, करके देखो y प्लस वन माइनस वन ये कट जाएगा, आंसर कितना जाएगा y, आगे y लिखोगे, इसलिए 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 फलन अच्छादक है, क्या लिखोगे, फलन अच्छादक है। अब देखो ये जितना हम क्वेश्चन करवाए हैं, इस क्वेश्चन को तुम्हें लिख के समझना है, बाद में तुमको देखो ये दिमाग रखना है कि अगर कभी किसी फलन को एकाकी सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे, अच्छादक सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे, और अगर अच्छादक सिद्ध नहीं करना है तो कैसे उस पॉइंट को दिखा के बोलेंगे कि अच्छादक नहीं, और अगर बोलना है एकाकी नहीं है तो कैसे दिखाएंगे कि सर एकाकी नहीं है, इस चीज को तुम्हें अपने दिमाग में पढ़ पढ़ के समझ लेना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लास्ट बताओ, इन सबका आंसर, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएगा सब लोग, इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट करके बताएगा कि ये क्या की है कि नहीं, बताओ सब लोग कमेंट करेगा सबसे, ठीक है, और सब लोग बताना किसको समझ में आया किसको समझ में नहीं आया, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट कर देगा कि हमको ये चीज समझ में नहीं आएगा, उस चीज को हम दोबारा बहुत अच्छे से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है, चलो। और देखो ये शॉर्ट वीडियो है, आराम से तुमको समझना है, ठीक है, हमको ये उम्मीद मान के चलते हैं कि तुम्हें फलन के बारे में सब कुछ पता होगा, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट करके बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर ऐसा क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर सॉल्व किया जाएगा, समझा जाएगा चीजों को, ठीक है ना, चलो तब तक के लिए बाय।